नमस्कार, मैं हूँ निशा और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़। आज हम खड़े हैं जंतर मंतर पर। आज हमारे साथ है सूरज कुमार बोस जी। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जी शुक्रिया। जय भीम। आज हम इनसे पूछना चाहेंगे कि ये ईवीएम पर मुद्दे उठाते हैं, तो ईवीएम को लेकर बहुजन लोग ही क्यों ज़्यादातर मुद्दे उठाते हैं? सबसे पहले आपको शुक्रिया। और जय भीम। देखिए, जब हम लोग ईवीएम की बात करते हैं, दरअसल हम लोग संविधान की बात करते हैं। जब हम लोग ईवीएम की बात करते हैं तो हम लोग लोकतंत्र की बात करते हैं। जब हम लोग ईवीएम की बात करते हैं तो हम लोग इस बात के लिए बात करते हैं कि हम लोग बाबा साहब के जो लिखा हुआ संविधान है उसको कैसे जमीनी धरातल पर लागू करेंगे। चूँकि आज संविधान दिवस है, इसलिए लोकतंत्र की बात और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो ईवीएम पर हम लोगों का विरोध इसलिए है क्योंकि ईवीएम ट्रांसपेरेंट नहीं है। हमारा संविधान कहता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएगी, लेकिन ईवीएम से हमारा वोट किसको जा रहा है हमको पता नहीं है। ट्रांसपेरेंसी नाम की कोई चीज़ नहीं है। हमने वोट दिया एक पर्टिकुलर पार्टी को, हमारा वोट गया किसी और पार्टी को। मेरा सवाल है कि जब कमरे में बैठ करके हम अंतरिक्ष में उड़ रहे यान को सेटेलाइट से अपने रिमोट से कंट्रोल कर सकते हैं, तो हम ईवीएम को क्यों नहीं हैक किया जा सकता है? जबकि हमारा जो कानून है स्पष्ट मानता है कि एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कैन बी हैक्ड। तो मेरा सिंपल सवाल ये है कि ईवीएम, अगर ईवीएम से जनता नाराज है, आम आवाम ईवीएम के खिलाफ है, तो सरकार ईवीएम को बर्खास्त क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि सरकार इस मुल्क में तानाशाही के हिसाब से शासन करना चाहती है, चूँकि उसको पता है कि जब हम लोग ईवीएम हटा देंगे तो उनकी शासन नहीं रहेगी। रही बात किसको बहुजन समाज के लोग ही क्यों विरोध करते हैं, तो देखिए, अगर जब इस मुल्क में तानाशाही रहेगी, इस मुल्क में ब्राह्मणवाद रहेगा, इस मुल्क में संविधान की हत्या की जाएगी, तो उससे सबसे ज़्यादा मार बहुजन समाज ही झेलता है। सबसे ज़्यादा जेलों में बहुजन समाज के लोग बंद किए गए हैं। आरक्षण के आधार पर सबसे ज़्यादा नुकसान बहुजन समाज के लोगों का होता है। निजीकरण जो है कि मार सबसे ज़्यादा बहुजन समाज को पड़ती है। इस मुल्क में जितने भी शासन सिंहासन पे लोग बैठे हुए, सबर लोग बैठे हुए हैं, मुल्क में मजदूरी करने के लिए बहुजन समाज के लोगों को छोड़ दिया गया है, तो बहुजन समाज का हर तरीके से नुकसान है। बाबा साहब कहते थे संविधान नहीं बल्कि जीवन दर्शन है। अगर अपने जीवन को बचाना चाहते हो तो अपने संविधान रूपी दर्शन को बचाओ। तो संविधान रूपी दर्शन को हम तभी बचा सकते हैं जब लोकतंत्र बचेगा, और लोकतंत्र तभी बचेगा जब ईवीएम हटेगा। जब बैलेट पेपर बहाल होगा तभी क्या इस मुल्क में लोकतंत्र हटेगा और तभी संविधान का शासन लागू होगा। इसलिए चूंकि बहुजन समाज के लोग ईवीएम के द्वारा हो रहे चुनाव से सबसे ज़्यादा प्रताड़ित होते हैं, इसलिए बहुजन समाज के लोग ईवीएम के खिलाफ खड़े होते हैं। सर, आपका धन्यवाद, आपने हमारे चैनल से बात की। जी शुक्रिया। जय भीम। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।